विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश। ठीक है, आप लोगों के आग्रह पर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा कि अगर आपसे पूछ लिया कि संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान बोलते हैं हिंदी में, संविधान क्या होता है, क्या होता है, कैसे डेफिनेशन देंगे, तो संवैधानिक एक वैधानिक दस्तावेज है। सबसे पहले क्या बोलेंगे आप? संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जिसमें उस देश की जनता के विश्वास, या ऐसे लिखेंगे, जो उस देश की जनता के विश्वास, उस देश की जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। इतनी सी डेफिनेशन देनी है संविधान की। संविधान क्या है? एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता की, बोलो क्या बोला था मैंने अभी, उस देश की जनता की, जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, उसी को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ठीक है, अब भारत का संवैधानिक विकास अगर हम पढ़ रहे हैं, तो संवैधानिक विकास के लिए हमें क्या करना है कि दो पार्ट करना है। सबसे पहले कि भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त करेंगे, नंबर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और नंबर दो ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब यह होता है कि आपने सुना होगा कि 1857 का एक रिवोल्ट हुआ, हुआ 1857 का विद्रोह। अब जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1858 में एक एक्ट आया। क्या आया? एक्ट आया, उसमें बोला गया कि ईस्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? और यह शासन अब ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है, जो कि अपनी पार्लियामेंट की सहायता से क्या करेगा, यहाँ का शासन देखेगा। इतना समझ में आ गया? इसीलिए तब उसके बाद हम क्या बोलते हैं? वाइस रॉय बोलते हैं। गवर्नर जनरल को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय। वाइस रॉय मतलब उपराजा, क्योंकि राजा तो ब्रिटेन में बैठा हुआ। ये भी एक विडंबना है कि इस देश में बहुत सारे आक्रांता आए, वो आए उन्होंने इस देश में शासन किया, लेकिन कम से कम राजा दिखता तो था, झरोखा दर्शन तो देता था। झरोखा दर्शन समझते हो? मुगलों का एक परंपरा थी, वो झरोखे में आते थे रोज और जनता नीचे खड़ी होती थी और एक बार दिखाता था कि मैं जिंदा हूं। क्या? मैं जिंदा हूं। ठीक है, तो जनता अपने राजा को देखती थी, कुछ लोग दरबार में भी जाते होंगे, लेकिन ये विडंबना थी कि ब्रिटिशर्स ने हम पर शासन किया तो हमें ना, तो हमारी मतलब सुना था हमने कि मतलब भारतीयों ने कि रानी है, कि कौन है? रानी है। अब रानी कहाँ बैठी हुई? पता नहीं, हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड में बैठी हुई, और हम अभ्यस्त थे अपने क्या राजा और रानी को देखने के, तो ये विडंबना नहीं थी, अजीब सी बात थी। तो थोड़ा सा इसलिए भी दिक्कत हुई। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वो झरोखा दर्शन से याद आया मुझे, एक बार शाहजहां झरोखा दर्शन में नहीं आ सका। क्या नहीं आ सका? ये माना गया या तो शाहजहां की हत्या कर दी गई है या शाहजहां किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया है। इसी कारण ये अफवाह फैलते फैलते उसके बेटों पे चली गई, दारा शिकोह, औरंगजेब, सुजा, है ना, मुराद, इनके पास चली गई। अब उन्हें लगा कि पिताजी तो गए, तो तभी तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट में औरंगजेब जीतता है। यानी झरोखे में दर्शन न देना मतलब राजा की हत्या या राजा किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया, इसलिए भी आते थे झरोखा दर्शन में ये लोग। अब ये ब्रिटेन की रानी तो आपको पता ही है, ये कहाँ बैठी हुई है? ब्रिटेन में बैठी हुई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1858 से जो एक्ट आया उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो उससे पहले के जो एक्ट हैं तो उनको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। क्या पढ़ते हैं? भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, और दूसरा दूसरा चरण पढ़ते हैं ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत, यानी 1858 से लेके बाद तक के जितने एक्ट हैं वो पढ़ते हैं हम ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं हम मोटे मोटे जो पढ़ेंगे हम। अब इसको याद करना शुरू करो मेरे साथ। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्या याद करो? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कई बार इतने में ही काम चल जाता है उत्तराखंड में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था, 1773 में, याद रहेगा? 1773 बोलते हैं। 1773 का मतलब, कृपया हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलना सीखें गिनती को, ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है।
उसके बाद आता है बड़ा मोटा एक्ट बता रहा हूं मैं, बीच के नहीं बता रहा हूं, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब कई बार तो कई साल हो जाते हैं बच्चों को पढ़ते रहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। एक बार उत्तर प्रदेश वालों ने पूछ लिया पिट्स कौन, मतलब क्या हुआ इसका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट तो हमने ऐसे देखे हैं कि सड़क में पिट बने हुए, घर के आगे पिट बना हुआ, क्या उसका एक्ट? पिट प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, पिट कौन है? तो अपॉस्ट्रोफी है, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट, कितना 1784, इतना समझ में आ गया। तीसरा याद करना है आपने चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। फिर याद करना है आपने चार्टर एक्ट 1813, इसको खास ध्यान रखना है आपने। आपकी शिक्षा दीक्षा पर कितना खर्च होता है आजकल, अगर आप अच्छी कोचिंग लें, अच्छा या जो भी आप जो भी कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा होगा है ना, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, इवन पेपर निकालने के बाद भी खर्चा हो रहा होगा, नीट का पेपर निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत खर्चा होता होगा, और कुछ तो क्या कर रहे होंगे, डिग्रियां खरीद रहे होंगे, खरीद रहे होंगे मतलब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया ना। कुछ लोग डायरेक्ट इंजीनियर बन जाते हैं, पैसा देते हैं, बीटेक की डिग्री ले लेते हैं, है ना। कहा जाता है कि पहले उत्तराखंड के हर पत्थर के नीचे क्या मिलता था, एक बीएड मिलता था बैठा हुआ, क्या मिलता था, पत्थर उठाओ उसके नीचे, क्या कर रखा भाई, हाँ भाई यहाँ कैसे बैठा, बीएड कर रखा कि मैंने, बालक या बालिका। आजकल हर पत्थर के नीचे कौन मिल रहा, क्या कर रखा भाई, बीटेक कर रखा। बीटेक कर रखा तो दो तरह के होती है डिग्रियां, एक होती है अपने दम पर क्या करना, हासिल करना, मतलब पेपर निकालना, उसके बाद आईआईटी में जाना, वहां से डिग्री लेना, वो बड़ा सम्मानजनक काम है। एक होता है पैसा देकर, तो जो पैसा देकर माता पिता के पैसों पर जो डिग्रियां लेते हैं उन्हें लगता है सब कुछ ऐसा हो जाता है, और वो कूदते हैं फिर सिविल में, आईएएस की तैयारी करेंगे, सुना है जी बीटेक वाले निकल रहे बहुत ज्यादा, इंजीनियर्स निकल रहे, तो भैया वो इंजीनियर्स निकल रहे हैं जिन्होंने पहले आईआईटी के लिए अपनी अस्थि मज्जा लगा दी, बोन मैरो क्या लगा दिया, बोन मैरो लगा दिया। जब दसवीं में आप घूम रहे थे त्रिवेणी घाट और क्या बोलते हैं आस्था पथ पर, तब वो बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या तैयारी कर रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो पहले उन्होंने बैठना सीखा, पढ़ना सीखा, पेपर निकाला, फिर अंदर जाके उन्होंने फिजिक्स खाई, मैथ्स खाई, आपको पता है खाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब चीज़ें, मतलब पढ़ ही रहे हैं। या अगर कोई डॉक्टर बन गया जो वैसे निकला है, एम्स में बन गया कोई डॉक्टर, तो वो तो खड़े खड़े भी लिख रहा है, प्राचार्य ऑपरेशन कर रहा है, वो चित्र बना रहा है, डायग्राम बना रहा है खड़े होके, और प्राचार्य बोल रहा है कि भैया ऐसे 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 ऐसे, और वो लिख रहा है इंग्लिश में। जब ऐसे लोगों को बेंच मिलेगी लिखने के लिए तो वो सिविल में क्या कर देंगे, निकालेंगे भाई, वही कौन निकालेंगे, वो लोग। तो पूछ रहे हैं कि बड़ी चर्चा चल रही है कि क्यों निकल रहे कि डॉक्टर इंजीनियर, अरे भैया इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि तुम अब शुरू कर रहे हो पढ़ना, तुम पहले ग्रेजुएशन कर रहे हो आराम से, पीजी कर रहे हो, तब तुम जब सारा प्रेशर दिमाग पर है तब तुम तैयारी शुरू कर रहे हो। वो दसवीं से पढ़ना जानते हैं, उनका पहला फिल्टर बारहवीं में लग गया, कब लग गया, जब सबसे बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान मतलब लेबोरियस लोग निकलते हैं वो बारहवीं में निकलते हैं, पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर लगता है ग्रेजुएशन के बाद, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का भी वेट कर रहे हैं, पीजी का भी वेट कर रहे हैं, उसके बाद जब सामाजिक प्रेशर होता है तब तैयारी कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं टेंशन हो गई, तो दिक्कत तो होनी है, थोड़ा थोड़ा बीच में छौंका देना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं जी कौन से, तो आप लोगों की पढ़ाई पे मैं ये बोल रहा हूँ कि 1,00,000 रुपए के आसपास तो खर्च हो जाता होगा, हो जाता है। 1813 का एक्ट जैसे ही आएगा ना, आपने ये ध्यान रखना है कि पूरे भारतवर्ष की शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए आया था। हाँ, पूरे भारतीयों की शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए आया था, उस पर भी लड़ाई हो गई कि ये पैसा जो आया है प्राच्य विदों के लिए आया है, पाश्चात्य विदों के लिए आया। प्राच्य विद मतलब जो भारतीय प्राचीन शिक्षा पर जोर देते थे, है ना, और पाश्चात्य विद मतलब जो जैसे राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, वो जो चाहते थे कि वैज्ञानिक शिक्षा हो, अंग्रेजी शिक्षा हो, उस पर लड़ाई हो गई कि भैया 1,00,000 रुपए खर्च कहाँ करना। तब जाके फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, बहुत समझदार था, ठीक है, फिर क्या किया गया, मैकॉले को बोला गया कि भैया निपटाओ ये विवाद, तब फिर बंटवारा हुआ कि भाई इतना पैसा इधर, इतना पैसा इधर, तो विवाद खत्म हो गया। विवाद जो होता है वैसे वो पैसे का ही होता है, किसका होता है। चलो, तो 1813 का एक्ट जैसे ही आएगा आपने क्या बोलना है, 1,00,000 रुपए
भारतीयों की शिक्षा के लिए, अभी याद कर लो ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद 1833 का एक्ट, 13 के बाद 33 का एक्ट, फिर 1853 का एक्ट, फिर तो भैया 1773, 1784, 1793, 1813, 1833 और 1853। वह 1853 यहां से क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने कि ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो लास्ट एक्ट था वो कौन सा था, तो 1853 लिखना है, कुछ लोगों ने 1858 कर दिया, 1858 माना जाएगा ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और भारत का शासन अब किसको दिया जाता है, क्राउन को दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट हैं, वहां पे याद करने हैं आपने सबसे पहले 1858 का एक्ट, कौन सा 58 का एक्ट, फिर आपने याद करना 61 का एक्ट, बड़ी जल्दी आ गया ये 61 वाला, ऐसे याद करना कि यार 3 ही साल तो हुए थे, 3 साल बाद ही 61 का एक्ट आ गया, 61 के बाद 92 में एक्ट आया, 61 के बाद 71, 81, 91, 92 लगभग कितने साल, 31 साल बाद एक्ट आया, कौन सा 92, और 92 के बाद तो बहुत आसान है याद करना 1919, 1935, ठीक है। फिर याद करना है आपने, चरण याद कर लिए, अब 1919, 1935 में तीन चीजें यहीं पे याद करा लूं या बाद में कराऊं, यहीं पे कराऊं, 1909 में डैश, जैसे 1909 लिखा हुआ कहीं पर भी मिल जाए आपको, अगर हिसाब में भी 1909 रुपए हो रहे हो तो वहीं पे याद रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर मुस्लिम्स, 1909 जब भी आपको लिखा हुआ मिले, कोई नंबर प्लेट भी दिखे ना अगर गाड़ी की, तो याद करना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं, और मिंटो कौन और मॉर्ले कौन, ये भी क्वेश्चन पूछा, अरे एक वायसराय एक भारत सचिव नहीं चलता काम, कौन वायसराय कौन भारत सचिव, मिंटो जो है वो है वायसराय और जो मार्ले है वो है भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद 1919, जैसे ही 1919 का एक्ट आएगा वैसे ही याद करना आपने प्रांतों में द्वैध शासन, डायरची बोलते हैं, डायरकी या डायरची, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्या बोलते हैं। अब फिर दोबारा प्रश्न वही, कौन मॉन्टेग्यू कौन, चेम्सफोर्ड कौन, तो क्या बोलोगे, यहां पे उल्टा है, वहां मिंटो वाइसराय था, मार्ले भारत सचिव था, यहां पे मॉन्टेग्यू भारत सचिव है, चेम्सफोर्ड वाइसराय, वहां पे वाइसराय भारत सचिव, यहां पे भारत सचिव वाइसराय, चेम्सफोर्ड जो है वो क्या है, वाइसराय है, इतना समझ में आ गया। फिर 1935 बड़ा एक्ट, इसका 75% भाग हमारे संविधान में, कितना 75% भाग हमारे संविधान में, और एक चीज और याद रखनी है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी दी गई, स्वायत्ता दी गई, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, क्या लगाया गया, उत्तराखंड में कई बार इतने से ही काम चल जाता है, कितने से, मैंने आपको दोनों पक्षों पर ले जाना है, पहले मैं शॉर्ट में बताऊंगा फिर मैं पूरा डीप पढ़ाऊंगा, ये पहले शॉर्ट में पढ़ लो, पहले क्या कर लो, क्योंकि हुआ क्या कि चाणक्य और चंद्रगुप्त आक्रमण कर रहे थे सीधे मगध पे, और बार बार हार रहे थे क्योंकि वहां था धननंद, ठीक है। अब क्या हुआ, समझ में आया नहीं, चाणक्य की बुद्धि ने भी काम नहीं किया, कौटिल्य की बुद्धि ने, तो जा रहे थे रास्ते से, तो विद्वान लोग जो होते हैं वो कहीं से भी क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखा एक बुढ़िया अपने पोते को क्या कर रही है, फुलका बना के दे रही है, फुलका समझता, रोटी फुलका बना के दे रही है, बच्चा बार बार बीच में हाथ डाल रहा, बार बार उसका हाथ जल रहा, बार बार रो रहा हो, तो दादी ने बेलन से मारा, बोला बीच में हाथ मत डाल जल जाएगा, पहले किनारे किनारे खा, किनारे से खाना शुरू कर। चाणक्य की समझ में आ गया क्या करना है, समझ में आया, चाणक्य की समझ में आ गया क्या करना है, सीधे मगध पर अटैक नहीं करना है, पहले किनारे किनारे के राज्य को जीतना है, तब क्या करना, बीच में अटैक करना है, आ गया समझ में, तो पहले शॉर्ट में सीख लो भैया, उसके बाद में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है।
तो 1935 में मैंने बताया प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। इसको बोलते हैं 1935 का एक्ट 75% भाग संविधान में। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद फिर याद करना आपने अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर याद करना आपने क्रिस प्रस्ताव 1942, क्रिस प्रस्ताव 1942, फिर याद करना कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन 1946 पे क्या याद करना है कि जो हमारी संविधान सभा बनी वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपने माउंटबेटन योजना। क्या पढ़ना है? माउंटबेटन योजना 1947, माउंटबेटन योजना। और दुष्टों ने क्या प्रश्न पूछा कि माउंटबेटन योजना को दुष्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, उन्होंने पूछा कि माउंटबेटन योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं 3 जून योजना। क्या बोलते हैं? 3 जून योजना। क्या बोलते हैं? 3 जून योजना। घाव है भाई, क्या करें, है ना, पर इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। बनाओ, कितने क्वेश्चन बनाओगे, हम भी वहां तक पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे जहां तक तुम घाव दोगे, है ना। परीक्षा कराने वाली जितनी भी क्या संस्थाएं हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं है। बस मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। ऐसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं कि बड़ी बड़ी किताबें ले ली, टेबल ले ली, हिलने वाली चेयर ले ली, टेबल लैंप ले लिया, अलमारी ले ली, किताबों में नाम लिख दिए, टाइम टेबल लगाया, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। किताब पढ़नी आनी चाहिए आपको। अगर किताब पढ़नी आ गई तो उसको फिर जब आपको आ जाती है उसके बाद इतना पढ़ो खुद किताब बन जाओ। क्या बन जाओ? फिर आप स्वयं किताब हो, किताब की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक पेज रोज याद करो, उसको फाड़ के फेंक दो। क्या कर दो? जैसे सुभाष चंद्र बोस करते थे, एक पेज, मतलब जो पेज पढ़े उसको फाड़ के, इतने कॉन्फिडेंट थे वो, ICS थे उस जमाने के, इतने कॉन्फिडेंट थे कि अब इसकी जरूरत जीवन में मुझे कभी नहीं पड़ेगी। तो बाद में सिर्फ गत्ता रहना चाहिए इस किताब का। क्या रहना चाहिए? गत्ता, समझ रहे, भारत कवर, बस ये सारे पेज फाड़ के, फाड़ो मत, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो जो नहीं खरीद सकता, उसको दे दो, ले जा तू भी बन, ठीक है। तो स्वयं किताब बन जाओ भाई। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ा हमने 1773, 1784, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। अगर याद नहीं हो रहा है तो 84 और 6 90 होता है और 3 93 होता है, यानी 9 साल बाद आया, पिट्स इंडिया एक्ट के 9 साल बाद आया 1793। 1793 के 20 साल बाद आया 1813 का एक्ट। 1813 में एक चीज और याद करा दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की जो मोनोपोली थी ना, उसको समाप्त कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किससे? 1813 के एक्ट से। एक तो 1,00,000 रुपया दिया हमें पढ़ने के लिए, और एक जो मोनोपोली थी उनकी, ट्रेड मोनोपोली, वो खत्म कर दिया गया। सिर्फ कहा गया चाय और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एक, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको किस एक्ट से समाप्त किया गया? 1813 के एक्ट से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण रूपेण, क्योंकि यहां पे चाय और चीन के साथ तो व्यापार करने दे रहे हैं, वो कौन? ये एक्ट बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार करेगी अभी और चीन के साथ भी, लेकिन 33 में कहा गया पूर्ण रूपेण व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 1833 के एक्ट से पूर्ण रूपेण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। क्लियर हो गया? अभी और भी पॉइंट जोड़ता रहूंगा मैं धीरे धीरे, ना धीरे धीरे क्या किया जाता है, एडिक्ट बनाया जाता है ज्ञान का। चलो, उसके बाद फिर 1853, ये लास्ट एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जो क्या है एक्ट है वो 1853 का एक्ट है। फिर क्राउन के अधीन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले 1858 का एक्ट, 57 में विद्रोह हुआ, 58 में एक्ट लाना पड़ा, मजबूरी थी उनकी, 1858 का एक्ट। 3 साल बाद फिर आ गया 1861 का एक्ट, 61 के बाद फिर 31 साल बाद 1892 का एक्ट, फिर आया 1909, 1919, 1935, फिर आया अगस्त ऑफर, फिर आया क्रिस्प प्रस्ताव, फिर आया कैबिनेट मिशन, फिर आया
माउंटबेटन, तो अगस्त है 40 का, क्रिप्स है 42 का, कैबिनेट है 46 का, माउंटबेटन है 47 का। क्लियर हो गया, बस खत्म, पहले इतना याद कर लो, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में एक राजलेख आया, चार्टर। क्वेश्चन बना कौन रानी कौन थी, क्या क्वेश्चन बना, रानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। दोस्तों ने ऑप्शन दिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो ना क्या गुजरी होगी भाई, एलिजाबेथ तक याद कर लिया था हम लोगों ने भी, पर जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आता है वही वाला, जैसे पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन? तो पृथ्वीराज थर्ड, लेकिन यहाँ पे महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। कौन? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। चलो जी, तो जो सबक हमने सीखे ना पेपरों से, और उत्तर प्रदेश सिखाता है सबक, कितना भी पढ़ के जाओ आपके दम्ब को चूर कर देता है लोक सेवा आयोग, बोलता है बेटा जाओ फिर किताब उठाओ फिर पढ़ो। और ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ जब सब्जेक्ट हुआ करते थे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और यूपीएससी भी दम्ब क्या कर देता है आपका, चूर्ण कर देता है। अभी नहीं, ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी हाँ थोड़ा और, दिल मांगे मोर, है ना। तो 31 दिसंबर 1600 को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, किसने? महारानी एलिजाबेथ ने, इस राजलेख के माध्यम से, जो 1600 ईस्वी में जो चार्टर आया, चार्टर को राजलेख बोलते हैं, उसमें महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के माध्यम से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। और 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ, कहा कि पूर्वी देशों के साथ अब 15 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब दूसरा शब्द यूज करूंगा, जालिमों ने यह भी पूछा कितने वर्षों तक व्यापार, क्या कितने वर्षों तक व्यापार कर सकते हो, तो 15 वर्षों तक, ठीक है। कौन देखता था यार उस जमाने में, अभी युवा थे, है ना। तो 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, कुछ मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा इसमें। फिर इसमें गवर्नर और उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य बनाए गए, रखे गए कुछ, गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया, बाद में इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। उतना डीप नहीं जाते हैं अभी, डीप बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, पहले इतना याद कर लो। फिर 1726 में एक राजलेख आया, क्या आया 1600 ईस्वी के बाद, सीधे 1726 में एक राजलेख आया। उस राजलेख में कहा गया कोलकाता, पहले उसमें कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता, ये पता है कलकत्ता क्यों नाम है इसका? कलकत्ता को जॉब चारनाक ने बसाया था, किसने बसाया था? तीन गांव लिए थे उसने पट्टे पर, कोलकाता, गोविंदपुर, सुतानाती, कौन से तीन गांव, जहां पे आज एक महानगर है वहां पर तीन गांव थे, कोलकाता, सुतानाती और गोविंदपुर। इन तीन गांव को जॉब चारनाक ने पट्टे पर लिया, अंग्रेज था ना, और वहां पर उसने कुछ बसाया, मतलब कुछ लगाया होगा उसने, आज वहीं पर महानगर है, क्या है? महानगर। और उस महानगर में एक पुल है कलकत्ता में, उसको शायद हावड़ा ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। उस ब्रिज को बड़ा ऐसा माना जाता है, देश का बड़ा ब्रिज है, और उस ब्रिज का एक पोर्शन सड़ गया है। कैसे सड़ा जानते हैं? गाड़ियों से नहीं सड़ा, बारिश से नहीं सड़ा, गुटखा थूकने वालों ने सड़ा दिया उसको। इतना गुटखा थूका कि एक पोर्शन जो है वो, क्योंकि गुटखा जो होता है उसकी जो थूक होता है उसमें होता है एसिडिक नेचर होता है, उसने उस लोहे को ही गला दिया। तो कहा जाता है कि वो जो, क्योंकि किनारे थूकते हुए जाते होंगे ना, और बंगाली दादा पान तो खाते ही हैं, है ना, तो अब पान का प्रचलन तो खत्म हो गया, पान तो फिर भी ये बोल सकते हैं हम कि आयुर्वेदिक था भाई, चलो ठीक है मीठा पान, पर गुटखा आ गया उसकी जगह गुटके ने ले ली, जैसे पकड़ों की जगह चिप्स ने ले ली, जलजीरे की जगह कोल्ड ड्रिंक ने ले ली, है ना। तो गुटखा थूक थूक के वो पुल क्या है कि उसको खतरा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो जब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बने तो अपने क्षेत्र में गुटखा बैन करा दें भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो 1726 का राजलेख, कोलकाता, मुंबई, मुंबई को बसाया किसने? गिराल्ड ओंगियार ने। मुंबा देवी का मंदिर है मुंबई में, इसलिए मुंबई बोला जाता है उसको, किसका, है ना। और एक दरगाह भी है, कौन सी, हाजी अली, हाँ हाजी अली, या हाजी अली, है ना, वही है, हाजी अली की दरगाह भी है। लेकिन जो मुंबई का नाम है वो मुंबा देवी के नाम पर है। सात टापुओं का नगर है,
सात आइलैंड पर बसा हुआ है मुंबई। एक नदी बहती है वहाँ, मीठी नदी बोलते हैं उसको, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट हैं, फिलहाल नहीं बताता हूँ, पर गिराल डोंगियार याद रखना भाई, गिराल डोंगियार ने मुंबई बसाया। तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास, मद्रास किसने बसाया भाई? फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे ने मद्रास बसाया। ये सब अंग्रेजों ने बसा रखे, मतलब पट्टे पर लेकर। याद हो गया, एक क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो गया। कोलकाता जॉब चारनाक ने, मुंबई गिराल डोंगियार ने, मद्रास फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे जो है वो अंग्रेज है कि फ्रांसीसी है? नाम तो ऐसा लग रहा, फ्रांसिस डे है अंग्रेज मेरे ख्याल से। हाँ हाँ कई बार होता है ऐसा भाई, क्या होता है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछो रूसो कहाँ का था, कि क्या क्वेश्चन पूछा रूसो कहाँ का था, तो आधे लोगों ने दिमाग लगाया यार रूसो रूस का रहा होगा, कहाँ का रहा होगा, बट रूसो रूस का नहीं था, फ्रांस का था। कई बार होता है ऐसा, ठीक है। महाभारत का युद्ध जिताने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़दास भी है। तो क्या रणछोड़दास अगर किसी का नाम रखा हुआ है तो आप उसे क्या मानेंगे कि रण छोड़ दिया उन्होंने? हुआ, उन्होंने 16 कलाओं के ज्ञाता थे, एक एक ऐसा शत्रु टकरा गया कि भागना पड़ा, तो ठीक है गए वो पीठ दिखाकर भागे, लेकिन उसके पीछे भी उनकी लीला थी। तो एक नाम उनका रणछोड़दास भी है, ठीक है। चलो जी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल पालों और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। भाई 1726 यानी 126 साल बाद एक राजलेख आया, उसमें बोला गया कि जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, गवर्नर मतलब राज्यपाल हैं, और उनकी जो परिषद है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उनको मेन याद रखना, विधि यानी लॉ बनाने की शक्ति दी गई, लॉ बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। ठीक है जी, फिर आता 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ उस समय, कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया। गुप्त समिति का गठन क्यों किया ये नहीं लिखा हुआ किताब में, इसलिए किया, टाइटैनिक देखी आपने? टाइटैनिक में आपने देखे दो तरह के अमीर थे, एक तो खानदानी अमीर थे, है ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, सुना है आपने? दो तरह के अमीर होते हैं ना, एक तो होते हैं खानदानी जिनका आप पहले से बचपन से पैसा देखा हुआ, तो उनके अंदर थोड़ा एक एटिकेट्स होते हैं, ठीक है हर चीज होती है। एक होते नए नए अमीर, नए नए अमीर का मतलब लॉटरी लग गई, बाप दादाओं की जमीन बेच दी, रेस्टोरेंट में चले गए, है ना, ओए छोटू इधर आ, है ना, और कुछ दिखाने के लिए, एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, या कुछ गाड़ी ले ली तो कुछ, है ना, मेटरलिज्म को ऐसे शो करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो टाइटैनिक में भी दो तरह के अमीर थे, फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं मैं आपको। कब डूबा था टाइटैनिक? टाइटैनिक को बनाने वाले ने कहा था इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता, भगवान के बनाए हुए एक छोटे से आइसबर्ग ने डुबा दिया टाइटैनिक को, अटलांटिक ओशियन में, न्यूफाउंडलैंड में, जहां पर लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं, लैब्राडोर करंट के साथ बड़े बड़े आइसबर्ग्स आते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। क्या डेट थी टाइटैनिक की? 14 अप्रैल 1912 को डूबा, ठीक है। अब टाइटैनिक में दो तरह के अमीर हैं, वो दो दूसरे तरह के अमीर हैं, दूसरे वाले जो ज्यादा क्या कर रहे हैं, सोसेबाजी, पंजाबी में बोलते हैं सोसेबाजी, मतलब ज्यादा दिखावा। वो कौन है? वो लोग हैं जो उपनिवेशों से अमीर होकर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही थी, किसमें चल रही थी? घाटे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी इतने अमीर होके जा रहे थे कि टाइटैनिक जैसे जहाजों में यात्रा कर रहे थे, किसमें? मतलब मैं बता रहा हूं, मैंने खाली टाइटैनिक एक उदाहरण दिया, टाइटैनिक बहुत बात का है, पर उससे पहले भी तो जहाज चले होंगे, बड़े बड़े वो सेटअप ले रहे थे इंग्लैंड में जाके, मतलब एक साधारण सा कर्मचारी भी क्या कर रहा था, अमीर होके जा रहा था। और ये बेचारी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये घाटे में चल रही थी, और ये क्या कर रही थी, बार बार सरकार से लोन ले रही थी। क्या कर रही थी? लोन ले रही थी। एक बार लोन दिया, दो बार लोन दिया, कितनी बार देगी सरकार ब्रिटेन की? और ये पूरा अपने आप को छुपा रही थी, मतलब अपना घाटा छुपा रही थी, और जो इसमें शेयर होल्डर्स थे उनका मुनाफा भी दे रही थी, उनका मुनाफा देने के लिए लोन ले रही थी कि भविष्य में हम कमाई लेंगे। लॉर्ड नॉर्थ को एक गुप्त समिति बिठानी पड़ी, उस गुप्त समिति ने सिफारिश की, दो सिफारिशें की, उसकी एक सिफारिश के आधार पर क्या हुआ, 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। क्या किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी के कार्यों को भारत में और ब्रिटेन में दोनों जगह क्या करना, नियंत्रित करना था। क्या था? और कंपनी में जो दोष व्याप्त हो गए थे, जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, उसको समाप्त करना था। क्या करना था? ठीक है जी, चलो। तो क्या हुआ कि कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र थे, इंग्लैंड और भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी भाई इंग्लैंड की थी, भारत में क्या कर रही थी? काम कर रही थी। तो क्या हुआ कि कंपनी की संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं थी। एक थी निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनको बोलते थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या थे? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरी थी स्वत्वधारी मंडल, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। कौन? कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं काम कर रही थी। एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि जिनकी संख्या लगभग 24 थी। दूसरे थे स्वत्वधारी मंडल यानी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार का अंग थी, होम गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं उसका अंग थी। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं सीधे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। एक आपने याद रखना, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या याद करना है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कौन करते थे? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स करते थे। और निदेशक मंडल जो था, प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है बाद वाला। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स याद रखना है, चुनाव कौन करते थे? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स करते थे। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट में क्या चेंजेस किए गए? इस एक्ट में बोला गया कि निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य की अवधि, मतलब जो उनकी अवधि होगी वो एक साल होगी। कितनी होगी? एक साल होती थी पहले, एक साल के स्थान पे चार वर्ष होगी। क्या होगी? पहले एक एक साल के लिए चुने जाते थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा अब एक साल नहीं, अब चार साल तक क्या रहेंगे जो आपके निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, चार साल तक रहेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा कि एक चौथाई सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? एक चौथाई, 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। अब फिर मैं आता हूं यूपीएससी पर। किस पर? यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, और सामने बहुत सारे आए जो वो थे, और सारे सही लग रहे थे हमको। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि दो तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। क्या बोला? तो होता क्या कि जब यूपीएससी का पेपर देने जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज लेके जा रहे होते हैं। अब ये मैच कर रहा था कानों से, दो तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होंगे। अब ये कहां पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं भाई राज्यसभा में। कहां पढ़ते हैं? राज्यसभा में, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या करेंगे? रिटायर होंगे। अब उसने कहां डाला, वो कितना माइंडेड आदमी रहा होगा जिसने पेपर बनाया, उसने कहा एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होंगे, वो पॉइंट डाल दिया यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। हमने कहा यार सारे तो सही लग रहे हैं, दिमाग खराब हो गया यूपीएससी का, है ना? कोई ऐसा कूट भी नहीं दे रखा इसमें कि इनमें से कोई नहीं। अब क्या ढूंढे इसमें से? बहुत जब गहन विचार किया है ना पूरा पेपर करने के बाद, तब ध्यान आया कि भाई वो तो हमने राज्यसभा में पढ़ा था, एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, यहां तो कुछ और था, इसका मतलब ये वाला गलत होगा। तब जाके वो आंसर सही हुआ। यहां पे याद रखना, हमने एक चौथाई सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे, इस लाइन को खास ध्यान देना है। यूपीएससी यहां से हिट कर चुकी है पहले, और इसमें कई लोग हताहत हुए हैं इस प्रश्न में। हताहत हुए मतलब समझ रहे हैं, मतलब गलत करके आए। ठीक है, अगला, कंपनी ने क्या किया? कंपनी के जो निदेशक होते थे, उन्हें चुनने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जो कम से कम एक साल पहले कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। कितने? 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। कई बार ऐसा होता ना कि इलेक्शन में भाग, मतलब
इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनने के लिए मैंने 3 महीने पहले क्या कर दिया, 1,000 पाउंड डाल दिए, नहीं, 1 साल पहले से अगर आपके शेयर हैं कंपनी में 1,000 पाउंड के, तो आप निदेशक मंडल का क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। तो ये लाइन बोल रही है, कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1,000 पाउंड के शेयर धारक रहे हो। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपने, ठीक है। पहले क्या था, पहले 500 पाउंड वाले भी भाग लेते थे इलेक्शन में, लेकिन अब क्या बोल दिया, 1,000, लेकिन वो भी कब, 1 साल पहले से 1,000 पाउंड रखे हुए हैं, निकाले नहीं, ठीक है। अगला, जो बंगाल के कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को, फोर्ट विलियम, खास ध्यान देना, यहां से भी एक प्रश्न बना कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा है भारत में। अब सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फोर्ट विलियम, बट आंसर फोर्ट विलियम नहीं है। क्या नहीं है? फोर्ट विलियम नहीं है। मद्रास में उन्होंने एक बनाया था किला, ढूंढिए जरा कौन सा किला था मद्रास में। मद्रास के किले, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो उनका पहला किला था। क्या था ये? बाद में बना फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम है बंगाल में, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ है? जब भी फोर्ट विलियम की बात करेगा तो आपने बंगाल जाना है, जब भी फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करेगा तो आपने कहा जाना मद्रास में। क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने, पहला किला, आपने बोलना छोटे मोटे बनाए होंगे, पर बड़ा किला जो पहला बनाया उन्होंने, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ? मद्रास में। कहाँ? याद रहेगा, ऐसे फंसाता है वो क्वेश्चनों में, ठीक है जी। अब फिर दोबारा वापस आ जाओ, बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा, ठीक है। कंपनी प्रशासन में बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप पढ़ते हो कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये पढ़ते हो? हाँ, 1773 के एक्ट में पढ़ते हो, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था फिर याद रखना आपने? वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब एक एक्ट आएगा, फिर याद करने के लिए बता रहा हूं, एक एक्ट आएगा अभी 1833 में। कब आएगा? सोना नहीं है, सोना मना है। कब आएगा? सबके लिए बोल रहा हूं जो इसमें देख रहे हैं, कब आएगा? 1833 में। 1833 किसका शासन काल है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। किसका है? वहां पर हम पढ़ेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब हम क्या पढ़ेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद आया कुछ कि नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में भाई? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाते हैं 1833 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर और आगे जाऊं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो 1858 में फिर एक एक्ट आएगा। क्या? 1858 में फिर एक एक्ट आएगा, बोलेगा 1858 में कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय भी कौन? लॉर्ड कैनिंग। याद आ गया, ठीक है जी। फिर हम चले गए, आजाद हो गए हम, क्या हो गए? 47 में पहुंच गए, है ना। 15 अगस्त 1947 को ही क्यों मनाया 15 अगस्त? अब भाई 26 जनवरी में बता चुका था, 15 अगस्त में समय के अभाव के कारण नहीं बता पाया, पर अब बता देता हूं कि जापान को जीता था, मित्र राष्ट्रों ने जापान पर विजय प्राप्त की थी 15 अगस्त को, इसलिए 15 अगस्त को हमने आजाद स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या मनाया? हाँ, कल क्वेश्चन आया होगा, बिल्कुल। 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, जबकि इटली की घोषणा में कहा था कि जून 1948 से पहले हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे,
तो जब जून 1948 में आप सत्ता भारतीयों को सौंप रहे थे, तो ऐसी क्या आफत आई थी आप पे कि आपने 15 अगस्त 1947 को सौंप दी? तो दो चीजें, एक तो वो ऐतिहासिक तिथि को याद करना चाह रहे थे कि जब जापान दुख मनाएगा तब भारत अपना क्या मनाएगा, खुशी मनाएगा, कुछ ऐसा पता नहीं क्या सोच रही होगी अंग्रेजों की, है ना। तो 15 अगस्त 1947, क्योंकि भारत भाई जापान दुख मनाएगा ना, दुख क्यों मनाएगा, उस दिन हारा जापान और इस दिन भारत क्या कर रहा, आजाद हो रहा, उधर दुख मना रहे, इधर हम क्या कर रहे, खुशी मना रहे। और वो इसलिए पंद्रह अगस्त को ही इसलिए दे रहे हैं कि हम भी याद रखें कि भैया जब हमने मित्र राष्ट्रों ने जापान को जीता था उसी दिन हमने क्या किया, भारत को आजाद कर दिया। इतना समझ में आ गया। 26 जनवरी की कहानी मैंने बता रखी, पुराने वीडियो देख लेना, ठीक है, क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस। चलो जी, तो अब आजाद हो गए हम 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता अपना स्वतंत्रता दिवस। 12 बजे हुए ना हम 00 पर हुए, तो 00 के बाद नेहरू जी ने अपना भाषण दिया कि हमने नियति के साथ एक क्या किया था, वादा किया था, कभी यहाँ से लाइन शुरू करते हैं वो, ठीक है, जब सब लोग सो रहे हैं तब भारत क्या कर रहा है आज़ादी के अपने, है ना। 14 अगस्त को मना रहा, 15 अगस्त को हम मना रहे। तो अब जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे, वाइसराय नहीं बोलेंगे, वाइसराय की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है पहले ही, वो बाद में बताऊंगा मैं, वो कौन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी अब्लिक राजा जी, जिनके नाम पर राजा जी नेशनल पार्क। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जी क्या हुआ कि पहला जो बना भाई वो कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल, ठीक है। यानी बंगाल के गवर्नर को, जो कि वॉरेन हेस्टिंग बनने वाले हैं, तीनों प्रेसिडेंसियों, यानी कौन कौन सी तीन प्रेसिडेंसियां कौन कौन सी हैं, एक है कलकत्ता प्रेसिडेंसी, एक है मद्रास प्रेसिडेंसी और एक वो उधर बंबई प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी हैं, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्य परिषद को सौंप दिया गया। जालिमों ने पूछा वो 4 सदस्य कौन थे, क्या पूछा, 4 सदस्य कौन थे? तो वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल, ये याद रखना है। इन 4 में से 3 सोच के आए थे कि हमने हेस्टिंग को काम नहीं करने देना, और जो भी चीज निकलनी थी वो निकलनी थी कैसे, मतदान के आधार पर, मतलब वोटिंग होनी थी। अब क्या होता था कि एक आदमी रहता था हेस्टिंग की तरफ, तीन तरफ तीन लोग विरोध करते थे, तो हेस्टिंग कर नहीं पाया, बाद में संशोधन करना पड़ा, बाद में बोला गया, आगे पढ़ेंगे हम, कि अब ये 4 सदस्यों को घटाकर 3 कर देते हैं आगे चलकर, इस एक्ट में नहीं, आगे के एक्ट में 4 से घटाकर क्या कर देंगे, 3, और साथ में बोलेंगे कि अगर गवर्नर जनरल के साथ एक आदमी ने वोट कर दिया और 2 आदमी उधर है तो गवर्नर जनरल और उस आदमी की चलेगी, क्योंकि गवर्नर जनरल का जो वेटेज है वोट का वो क्या ज्यादा है, उसके साथ एक आदमी भी अगर ओके कर देगा तो वो चीज पास हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये गलती कर दी इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट वालों ने, 4 लोग भेज दिए, 4 लोग नहीं भेजने चाहिए, 1 में ध्यान, 2 में पढ़ाई, 3 में यात्रा, 4 में लड़ाई। क्या नियम है रूम पार्टनर्स का? 1 में ध्यान, अगर आप अकेले रहते हो तो ध्यान लगेगा, 2 में पढ़ाई होगी, 2 बच्चे, 3 में तीसरा बोलेगा चलो त्रिवेणी घाट घूम के आते हैं, ठीक है, और 4 में होगी लड़ाई कि तूने मेरी साबुन क्यों यूज की, तूने मेरा पेस्ट क्यों यूज किया, ठीक है। चलो, तो 2 होने चाहिए पार्टनर, रूम पार्टनर कितने होने चाहिए, सिर्फ 2, जिनमें से एक को अच्छा खाना बनाना आता हो बस, और एक अच्छा झाड़ू पोछा करता हो, बर्तन धोता हो अच्छे, है ना। चलो ठीक है जी, तो वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, 4 सदस्य बने, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। अगर कुछ है दिक्कत है, कितनी है, 5% है,
चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। एलिजा एम पे प्रथम न्यायाधीश हैं, उसके साथ तीन न्यायाधीश और हैं जिनका नाम है चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। क्या नाम है? चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ये तीन याद करने हैं, ठीक है। बाकी भैया ये एक अभिलेख न्यायालय था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, और इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में, प्रिवी काउंसिल मतलब राजा की जो प्रिवी काउंसिल होती है वहां की जा सकती थी। अगर यहां मुकदमा हार गए तो अगली जो होगी वो कहां होगी? प्रिवी काउंसिल में होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही करते। उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया भाई, उपहार देने पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। लाइसेंस प्राप्त किए बगैर आप निजी व्यापार नहीं, चलो छोड़ो उसे, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बस ये हो गया 1773 का रेगुलेटरी एक्ट खत्म, ठीक है, बंद करो।